देखिए, मुझे कांग्रेस पर कुछ नहीं कहना है। हमारा गठबंधन है और गठबंधन कोई चुनावी गठबंधन नहीं होता है। हमने पहले ही कहा था कि हमारी ताकत वहाँ है। श्री तेजस्वी यादव जी का लोगों में आस्था व्यक्त हुआ है और आज जो कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर हो या पूरा बिहार हो, 12,000 ही वोट ना ज़्यादा आया था NDA को, ये तेजस्वी यादव जी का ही कमाल था। और तेजस्वी यादव जी में पूरा महागठबंधन ने अपना समर्थन दिया था, आस्था व्यक्त किया था। उस समय कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे, आज वो लंबी लंबी बात करें, मैं उन पर कोई टिका टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि जो दुखी हैं, जो सही चीज़ों से अपने को एहसास नहीं कर रहे हैं, उनको इस तरह की भाषा पर मुझे दया आती है, तरस आती है। मुझे उनके दुख से कोई हमको व्यंग नहीं करना है, उन पर तरस आती है, लेकिन समय आएगा, कोई खामियाजा नहीं। हमारा उम्मीदवार जो है जमीनी उम्मीदवार है, कोई आकाश से लाया उम्मीदवार नहीं है। हमारा जो उम्मीदवार है वहाँ वो मुसर समाज से है, और सिर्फ समाज से ही नहीं है, वो लोगों के बीच में लगातार काम करते रहा, लगातार लोगों के बीच रहा है। गणेश भारती अपने आप में वहाँ जा कर के आप आकलन कीजिएगा, सर्वे कीजिएगा, तो पता चलेगा कि जमीनी कार्यकर्ता। अरुण शाह हमारा तारापुर का, वो भी जमीनी है, असरगंज का रहने वाला है, लेकिन वो लोगों के बीच काम करते रहा। समय आएगा 30 तारीख के बाद, 30 तारीख को जनता तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में राष्ट्रीय जनता दल को भरपूर मतों से जिताएगी। 2 तारीख को जब घोषणा होगा उसमें आप देख लेंगे। लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी थी, किसानों के ऊपर जीत चढ़ा दी गई थी, उस मामले को लेकर काफ़ी प्रेशर दिया गया केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तब जाके केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। अब क्या लगता है, ये जो है जो मनुवादी की सरकार चल रही है देश में, मनुवादी का कई काम है कि जो गरीब होगा, जो बुढ़वा होगा, आप एक किताब RSS का पढ़ लीजिए, सावरकर का। सावरकर ने कहा उस पुस्तक में कि सरकार को आम लोगों को एहसास कराना चाहिए कि वो भिक्षा लेकर करके अपना जीवन व्यतीत करे, ये सरकार की मंशा होनी चाहिए। और जब किसान जो हमारा अन्नदाता है, 3 बिल कानून लाए, और जब वो आंदोलन करते हैं तो उनके लोग अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, और उनके पुत्र आशीष मिश्रा ने जिस तरह से किसानों को कुचलने का काम किया और उनको खातिरदारी कर रहे हैं, ले जा कर के वहाँ क्राइम ब्रांच में ले जा कर के, और आज वो जब कोर्ट ने जब लप्पर मारा है, थप्पर मारा है, तब उनकी खातिरदारी कर कर करके उनको जेल भेजें, जेल से काम नहीं चलेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना होगा। अगर जरा सा भी उनको लगता है कि हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी को तो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, तो उनको कानून का पालन करना चाहिए और ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। और तत्काल जो गिरफ्तारी हुआ है, बहुत दिखावटी कर कर करके कोर्ट के कहने के बाद गिरफ्तारी हुआ है, और गिरफ्तारी भी हुआ तो 6 दिन के बाद उनकी खातिरदारी कर करके और तब उनको भेजा गया। तो निश्चित रूप से ये मनुवादी सरकार जो है वो इस तरह से हरकत कर रही है किसानों के साथ। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।